एक कुर्सी ने त्रिपुरा की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता एक प्रतिनियुक्ति जमा करने 21 नंबर वार्ड ऑफिस गए थे, लेकिन उस समय कार्यालय में सीपीआई की पार्षद जया विश्वास उपस्थित नहीं थी। पार्षद को कार्यालय में न पाकर बीजेपी समर्थक उनकी कुर्सी लेकर चले गए। एक तरफ जहां बीजेपी कार्यकर्ता इसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन बता रहे हैं, वहीं जया विश्वास ने इस मामले से एएमसी के मेयर को अवगत कराया है और पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करने पर विचार हो रहा है। वार्ड ऑफिस में कुछ बीजेपी के फ्लैग लेके कुछ लोग गया, जाने के बाद तो उन लोगों ने पूछा काउंसिलर कहाँ गया, तो वार्ड सेक्रेटरी बोला मैडम का प्रोग्राम है, मैडम प्रोग्राम में चला गया, मैडम बाद में आएंगे। बोला काउंसलर नहीं है तो उसका चेयर भी नहीं रहेगा यहाँ पर, ऐसा बोल के उन लोगों ने चेयर लेके वो जो चेयर लेके जा रहा है, तो उस टाइम पे व्हाट्सएप पे बोला ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। मैं हम लोग क्यों इन्फॉर्म करेंगे, हम लोग आए जब खुशी तब आएंगे, आपका मैडम 24 आवर्स यहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक वार्ड ऑफिस ओपन है। व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है चेयर। आपने देखा होगा ना कि किसी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में जब कुलपति के खिलाफ लोग नारे लगाते हैं तो कहते हैं कि कुलपति जी निजी रूप से आपके साथ हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, जो कुर्सी है उस कुर्सी के खिलाफ हम है, क्योंकि हमें जो जितने भी समस्या है सब यही कुर्सी से समाधान होना चाहिए था, तो वो कुर्सी ही किसी काम का नहीं रहा, तो ये एक सिम्बोलिक प्रोटेस्ट है। सिक्किम की विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले की रिहाई के बाद आज सत्ताधारी एसडीएफ ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भविष्य की रणनीति बनाने के लिए कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। बीती रात मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र नामची में एसडीएफ ने अपने झंडे दिखाकर गोले के काफिले का विरोध किया था। एसडीएफ ने एसकेएम के अध्यक्ष पीएस गोले की रिहाई के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि गोले के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाला नुक शेयरिंग घुटिया मौजूदा एसकेएम के साथ है, यह महज एक कानूनी प्रक्रिया थी, इसलिए गोले की रिहाई को लेकर उत्साहित होने की कोई वजह नहीं है। SDF is not moved by such activities. This happens. This is a process of political activities. But as far as the Sikkim Democratic Front party is concerned, we are a very old party based on very strong principles and ideologies, policies and programs which are based in the interests of Sikkim and the Sikkimese people. And besides, we have a very tall leader, the longest serving chief minister, Sri Pawan Chamling. So under his vision, under his leadership, we are confident. And as far as politics is concerned, it is a matter of the mandate of the people. Ultimately, when you talk about politics, is the election process. And this depends totally on the mandate of the people. ऐसे में जब मिजोरम सरकार त्रिपुरा के 6 राहत शिविरों से ब्रू शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन की तैयारी में है, मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी नामक एक नई कमेटी नए मांगों के साथ सामने आई है। इन मांगों के तहत मिजोरम में ब्रू शरणार्थियों के लिए एरिया डेवलपमेंट काउंसिल की मांग भी शामिल है। समिति के अध्यक्ष एल लालदिंग लियाना के मुताबिक उनकी मांगों को त्रिपुरा के 6 राहत शिविरों में रह रहे ब्रू शरणार्थियों का समर्थन मिल रहा है। मेघालय स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने लोगों को कपड़ों की थैली के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए 90 दिन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। बोर्ड के अध्यक्ष लंबोर मलंगियांग ने कहा कि सरकार सभी व्यवसायियों तथा दुकानदारों से कपड़े की थैली का इस्तेमाल करने को कहेगी। Try our best to see that our state also is free from plastic. So these are the points that we had. This is only the introduction part. We will launch this continuously for 90 days. And we will see the response from the public. And once the response is positive, then we will ask the shopkeepers that they should themselves start making these bags. This is the whole concept.